हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं एमपीपीएससी के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे एमपीपीएससी के पैटर्न की, प्री, मेंस और इंटरव्यू की, तीनों चरणों को देख चुके थे। अब हम इस लेक्चर में बात करते हैं एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात या पाठ्यक्रम की बात। आपको बता दें यार कि आपको पहले किसी भी एग्ज़ाम का हो, कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए, एक सिलेबस और दूसरा जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके ओल्ड पेपर या पुराने वर्ष के पेपर, उन्हें एक बार आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं किसी भी साइट से, देख लेना। ठीक, हम लोग भी अगले लेक्चरों में बात करेंगे 2012-13 से 2018 तक के एमपीपीएससी के पुराने पेपरों के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम की, एमपीपीएससी के। तो जो प्रथम पेपर होता है हमारा, इसके बारे में बात कर चुके थे हम पिछले पेपर लेक्चर में, लेकिन बता दें आप लोगों को, ये जो पेपर सामान्य अध्ययन का है ये 200 नंबर का रहता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटे समय रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ठीक, माइनस मार्किंग नहीं है, याद रखिए इसमें। ठीक है, एमपीपीएससी में, लेकिन यूपीपीसीएस और यूपीएससी आईएएस में माइनस मार्किंग है। तो चलिए हम पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला है हमारा सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक है, तो याद रखिए इसमें सामान्य विज्ञान पर्यावरण से संबंधित है। फिर है अपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, तो करंट अफेयर्स हो गया हमारा। ठीक है, फिर है हमारा भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत, तो इतिहास में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर है अपना भारत का भूगोल, इसमें भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर बात करते हैं हम लोग विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी से होगी। फिर हमारा भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, इसमें देश की राजनीति व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाओं, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न होंगे। फिर है खेलकूद। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेल कूद एवं खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों, व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठित खेल संस्थानों से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर है मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, मध्य प्रदेश के भूगोल में पर्वतों के विकास, नदियाँ, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, परिवहन से संबंधित प्रश्न होंगे। मध्य प्रदेश इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियाँ, कला, स्थापत्य कला, ललित कला एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी प्रश्न होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों का चुनाव, पंचायती राज, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें उद्योग योजनाएं, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्य प्रदेश की जनांकीय एवं जनगणना पर भी प्रश्न सम्मिलित होंगे। फिर है अपना सूचना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें अभिलक्षण, प्रयोग, शब्दावलियाँ जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन सर्च इंजन, ईमेल, वीडियो मेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस और साइबर अपराध से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। फिर है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 और 1955। ठीक, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इससे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। तो याद रखिए हम लोग कि ये एक्ट हैं जो एमपी में,
1989, 1955, 1995 और 1993, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। एमपीपीएससी में ही एमपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं एमपी से, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, वैसे तो हमें सब पर फोकस देना चाहिए, लेकिन हमारा एमपीपीएससी अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बात भी कर चुके हैं पुराने लेक्चरों में, एक्ट के बारे में भी देख चुके हैं, ये सभी एक्ट भी देख चुके हैं, और हम लोग एमपी स्पेशल भी देख चुके हैं, तो पुराने लेक्चर आप देख सकते हैं। फिर जो सी सेट हमारा द्वितीय पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण, इसमें बौद्ध गम्यता सी सेट है, तो ये भी 2 घंटे का रहता है, 200 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है। लेकिन एक क्वालिफाइंग होता है, मतलब 30% या 33% नंबर चाहिए होते हैं हमें सिर्फ पास होने के लिए। इसमें बोध गया, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, हिंदी भाषा में बोध गम्यता कौशल 10वीं कक्षा स्तर का, ठीक है। तो सी सेट है, तो मेन फोकस हमारा रहना चाहिए पेपर फर्स्ट पे, प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट पे, उसी के आधार पर हम लोग मेंस में पहुंच पाएंगे उसी के जरिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एमपी स्पेशल पर ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे हम लोग भी एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं पुराने लेक्चरों में, उन्हें जाकर देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे एमपी पीएससी के मेंस की सिलेबस की, और इससे संबंधित पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे हम लोग 2012 13 से लगाकर 2018 के। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम।